हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अन अकेडमी। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी हो, बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, हर तरह के एग्जाम के टॉप 10 करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको इस अपने यूट्यूब चैनल पर, करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों मेरा नाम रवि प्रताप कर्ण, मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ डेली 10 मिनट के 5 करंट अफेयर्स के सेशन। मेरे पास 9 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है अनअकैडमी। अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। तो याद रखिएगा, अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए ऐप अनअकैडमी। आपके लिए मैंने बनाया है टेलीग्राम चैनल, आप इस लिंक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ की एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है, जहां अगर आप 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो टोटल फी है 6,000 और 2 सालों के लिए है कितनी, तो 7,200। जैसे आप मेरा ये रेफरल कोड यूज करेंगे RPK10, तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जहां पर 1 साल के लिए फी है टोटल 6,000, वहां लेंगे कितने, 5,400, और जहां 2 सालों के लिए फी है 7,200, वहां लेंगे 6,480 रुपये। तो मेरा ये रेफरल कोड याद रखिएगा RPK10। आज का जो सेशन है, जिसमें कि मैंने करंट अफेयर्स के अपॉइंटमेंट सेशन को लिया है, जितने भी तरह की नियुक्तियां होती है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पहला है, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वेंकैया नायडू, जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट वही होते हैं क्या, तो राज्यसभा के चेयरमैन। हु इज द चेयरमैन ऑफ लोकसभा, स्पीकर ओम बिड़ला। वर्तमान में अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला। नेक्स्ट है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर। नीति को हम लोग बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है कि हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, तो गुलाम नबी आजाद। याद रखिएगा, राज्यसभा के अपोजिशन लीडर कौन है, गुलाम नबी आजाद। नेक्स्ट है कि हु इज द लीडर ऑफ हाउस इन लोकसभा। लोकसभा में लीडर ऑफ हाउस कौन है, तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है कि हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुनील अरोरा। वर्तमान समय में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, सुनील अरोरा। नेक्स्ट है कि हु इज द इलेक्शन कमिश्नर, तो है अभी कौन, अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। याद रखिएगा, हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन बना है वो 3 सदस्यीय होता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन में 2 लोग हैं, एक अशोक लवासा, दूसरा सुशील चंद्रा, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वर्तमान में सुनील अरोरा। नेक्स्ट है कि हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, एस देसवाल। तो अभी जो है ITBP के जनरल डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर ऑफ जनरल, तो एस देसवाल। नेक्स्ट है कि हु इज द चीफ विजिलेंस कमिश्नर, शरद कुमार। वर्तमान में चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है, शरद कुमार। नेक्स्ट है कि हु इज द फॉरेन सेक्रेटरी, हु इज द फॉरेन सेक्रेटरी, तो विजय केशव गोखले। विजय केशव गोखले वर्तमान में क्या है, तो विदेश सचिव है। नेक्स्ट है कि हु इज द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, राजीव महर्षि। यानी कि वर्तमान समय में कंट्रोलर और ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो राजीव महर्षि। नेक्स्ट है कि हु इज द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, के हाल में ही वर्तमान में कि डायरेक्टर कौन है विक्रम साराभाई और स्पेस सेंटर के, एस सोमनाथ। नेक्स्ट है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो RS शर्मा। याद रखिएगा, RS शर्मा। नेक्स्ट है कि हु इज द डायरेक्टर ऑफ CBI, ऋषि कुमार शुक्ला। यानी कि वर्तमान में CBI के डायरेक्टर कौन है, तो ऋषि कुमार शुक्ला। नेक्स्ट है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, तो नंद कुमार साई। फिर से इस सेशन को हम लोग रिवाइज कर जाते हैं। अपॉइंटमेंट में आज देखें तो पहला जो राज्यसभा के चेयरमैन है वर्तमान में वो कौन है, तो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू क्या है, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ लोकसभा, स्पीकर कौन है अभी लोकसभा स्पीकर, तो ओम बिड़ला। नेक्स्ट है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है कि हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, गुलाम नबी आजाद। नेक्स्ट है हु इज द लीडर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ हाउस इन लोकसभा कौन है, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है कि हु इज द इलेक्शन कमिश्नर, अभी वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो सुनील अरोरा। एंड हु इज द इलेक्शन कमिश्नर, तो इलेक्शन कमिश्नर में कौन कौन है, तो अशोक लवासा और दूसरा सुशील
चंद्रा। तो हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन है वो त्रिसदस्यीय चलती है। इन त्रिसदस्यीय में से दो लोग जो होते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर और एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुनील अरोरा। नेक्स्ट है कि हु इज द डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी। आईटीबीपी के डायरेक्टर ऑफ जनरल कौन है? तो एस देसवाल, याद रखिएगा एस देसवाल। नेक्स्ट है कि हु इज द चीफ विजिलेंस कमिश्नर। अभी वर्तमान में चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है? तो शरद कुमार। कौन है? शरद कुमार। नेक्स्ट है कि हु इज द फॉरेन सेक्रेटरी। वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो विजय केशव गोखले। यानी कि वर्तमान में जो अभी विदेश सचिव हैं वो कौन है? विजय केशव गोखले। नेक्स्ट है कि हु इज द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। आंसर होगा इसका राजीव महर्षि, महालेखा परीक्षा नियंत्रक कहते हैं इसको। तो कैग के चेयरमैन कौन है? राजीव महर्षि। देखिए किसी भी मंत्रालय का अगर ऑडिट होता है तो वो करती है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। लेकिन किसी फाइनेंस संस्था की अगर ऑडिट होती है उसे करते हैं ईडी। ईडी को हम लोग बोलते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, हिंदी में कहा जाता है इसे प्रवर्तन निदेशालय। यानी किसी भी मंत्रालय का अगर ऑडिट करना है तो कौन करेगा? कैग। कैग के अभी चेयरमैन कौन है? तो राजीव महर्षि। नेक्स्ट है कि हु इज द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसका आंसर क्या होगा? एस सोमनाथ। यानी कि वर्तमान में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के चेयर डायरेक्टर कौन है? तो एस सोमनाथ। नेक्स्ट है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हम लोग कहते हैं ट्राई, TRAI। जिस तरीके से बैंक का रेगुलेटर है RBI, इंश्योरेंस का रेगुलेटर है IRDA, बैंक का रेगुलेटर कौन? तो RBI। इंश्योरेंस का रेगुलेटर कौन? तो IRDA। ठीक उसी तरीके से टेलीकॉम कंपनी का रेगुलेटर कौन? तो ट्राई, TRAI। उसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेटर कौन है? तो SEBI। ठीक तो RBI किसका रेगुलेटर है? बैंक का। RBI का अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इंश्योरेंस का रेगुलेटर कौन है? तो IRDA। IRDA के चेयरमैन कौन है अभी? तो TS बिजियन, और नहीं सुभाष चंद्र खुटिया, अभी वर्तमान में चेंज हो गए TS बिजियन, अभी IRDA के चेयरमैन हो गए सुभाष चंद्र खुटिया। दूसरा तीसरा है ट्राई। ट्राई को हम लोग बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन है RS शर्मा, जिसको हम लोग कहते हैं राम सेवक शर्मा। नेक्स्ट है कि हु इज द डायरेक्टर ऑफ CBI। CBI के अभी चेयरमैन कौन है? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन कहते हैं ऋषि कुमार शुक्ला। और नेक्स्ट है SEBI, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन अभी वर्तमान में अजय त्यागी। याद रखिएगा अजय त्यागी। नेक्स्ट है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के चेयरमैन कौन है? तो नंद कुमार साईं। तो मैंने आज का जो सेशन लिया था जिसमें अपॉइंटमेंट था, अपॉइंटमेंट का मेरा दूसरा सेशन भी होगा। ठीक तो पहला क्या है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अब दो तीन बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, वेंकैया नायडू। लोकसभा का स्पीकर कौन? ओम बिरला। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग नरेंद्र मोदी। अपोजिशन ने राज्यसभा गुलाम नबी आजाद। और हाउस ऑफ लीडर लोकसभा नरेंद्र मोदी। इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा। इलेक्शन कमीशन कमिश्नर अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। और चीफ इलेक्शन सुनील अरोरा। ITBP चेयरमैन एस देसवाल। चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है? शरद कुमार। फॉरेन सेक्रेटरी कौन इंडिया के? विजय केशव गोखले। स्कैक के चेयरमैन राजीव महर्षि। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एस सोमनाथ। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन राम सेवक शर्मा। CBI के डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला। और शेड्यूल ट्राइब के अभी चेयरमैन कौन है? तो नंद कुमार साई। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया तो आप जाइए करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स इन 10 चैनल पर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। और मेरे टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं इस नाम से, GAY रवि प्रताप कर्ण। मेरा ये रेफरल कोड याद रखिएगा RPK10। जैसे इस कोड को यूज़ करेंगे सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। बैंक, SSC, BPSC, UPSC, रेलवे, हर तरह के एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स काम आता है। और मेरा ये रेफरल कोड याद रखिए और आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पाइए। थैंक यू सो मच।